सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल सामान्य नियम है। इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन की सिंगुलर फॉर्म से पहले होता है, अनकाउंटेबल नाउन की सिंगुलर फॉर्म से पहले। देखते हैं लिटिल का क्या अर्थ है और इसे कैसे प्रयोग करेंगे। लिटिल, लिटिल का अर्थ है हार्डली एनी या नॉट मच, हार्डली एनी या नॉट मच, यानी मुश्किल से ही कुछ या लगभग ना के बराबर या ज्यादा नहीं। इट हैज ए नेगेटिव मीनिंग, इसका नेगेटिव मीनिंग होता है। सेंटेंस देखते हैं, द पेशेंट इज सीरियसली इल, देर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। रोगी गंभीर रूप से बीमार है, उसके ठीक होने की आशा ज्यादा नहीं है, यानी उसके ठीक होने की आशा लगभग ना के बराबर है। अब देखते हैं अ लिटिल, ए लिटिल का अर्थ है सम, यानी कुछ या थोड़ा। इट हैज ए पॉजिटिव मीनिंग, इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है। सेंटेंस से पता लगेगा, सेंटेंस देखते हैं, शी डिसाइडेड टू सेव अ लिटिल मनी एवरी मंथ, उसने हर महीने कुछ या थोड़ा धन बचाने का निर्णय किया। इट हैज ए पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग ए लिटिल का होता है। अब देखते हैं द लिटिल, द लिटिल का अर्थ है नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, यानी ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी है वह सारा, ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी है वह सारा। सेंटेंस देखते हैं, दे स्पेंट द लिटिल मनी दे हैड, दे स्पेंट द लिटिल मनी दे हैड, उनके पास ज्यादा धन नहीं था लेकिन जितना भी था उन्होंने वह सारा खर्च कर दिया। तो ये हमने लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के प्रयोग के बारे में जाना। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। And thank you for watching this video.